वैसे ये नौजवान नौजवान भविष्य थे, ये सरकार जो है कि हमारा युवाओं के पीछे हाथ और नाक धोके पड़ी है। जी हाँ, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर हो गए इसलिए बोल रहे हैं, हम रियल बात बता रहे हैं कि कोर्ट बार में इस बार हमने सुना था कि पूरे भारत में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 45,000 वैकेंसी में से सिर्फ 1200 लड़कों में से जब 40 लड़के ले रहे हैं तो क्या स्थिति होगी हमारे देश के, सारे देख सकते हैं आप, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है सारे लड़कों की, देख सकते हो कैसे ये गधेरे के रास्ते भगा रहे हैं। अरे आर्मी का जवान आ रखा है मोटा डंडा लेके लड़कों को भगाने के लिए, तो हमेशा ऐसी रहेगी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, तो ये भगाने के लिए आ रहे हैं हमें सामने से मोटे मोटे डंडे लेके, अगर हम यहाँ से कूदे भी तो नीचे कूदे कैसे, कुछ भी हो सकते हैं हम लोगों के साथ। ये लड़के इसमें कम दिख रहे हैं अभी, ये पूरे कतारे, ये पूरे चमोली जिले से सिर्फ दो तीन लड़कों को ले रखा है इन्होंने, पता नहीं चमोली जिले वालों से क्या दुश्मनी है इनकी। मैं आपके साथ सुनील पांडे।